₹500 दे रहा हूँ, मीट बनवा कर खा लेना, पेट भर के पियो और मिल जाएगी। देखिए कैसे कैसे खरीदे जा रहे हैं वोट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक वोट के लिए ₹500 दे रहा हूँ, मीट बनवा कर खा लेना, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, जिसकी दारू पी रहे हो वोट भी उसी को देना, पेट भर के पियो, चाहिए तो और मिल जाएगी, लेकिन अगर वोट दूसरी जगह गया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये वो शर्मनाक सच है जो 3 दिन के स्टिंग में सामने आया। दिन में विकास के दावे वादे करने वाली पार्टियां और उनके कार्यकर्ता अंधेरा होते ही वोट खरीदने में जुट गए। शराब नहीं पीने वाले को ₹500, वोटर मिडिल क्लास हैं तो अंग्रेजी शराब की बोतल, और अगर वोटर मजदूर हैं तो देसी शराब का एक पौवा। स्टिंग एक, जगह जोधपुर की बासनी कच्ची बस्ती, समय 23 नवंबर को रात 8 बजे। इनपुट मिला था कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली कच्ची बस्तियों में पिछले एक सप्ताह से शराब बंट रही है। टीम इसकी पड़ताल करने के लिए बासनी औद्योगिक क्षेत्र पहुंची। अंधेरा होते ही बासनी श्रमिक कॉलोनी की गलियों में भीड़ जमा हो गई। हम भी वहीं खड़े हो गए, शराब बंटने का इंतजार करने लगे। तभी वहां बाइक पर सवार दो युवक मौके का जायजा लेने आए कि कहीं कोई पुलिस तो नहीं है। कुछ देर दोनों ने मुआयना किया और वापस चले गए। शराब बांटी, गाली देते हुए बोला ध्यान रखना है। करीब आधे घंटे तक इंतजार के बाद एक युवक हाथ में बॉक्स लेकर वहां पहुंचा। तभी हमने अपना हिडन कैमरा ऑन किया। उसने बॉक्स से एक एक करके सभी को शराब की बोतलें बांटना शुरू किया। बोतल बांटते समय युवक ने लोगों से गाली देते हुए बोला ध्यान रखना है, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, जिसकी दारू पी रहे हो वोट उसको ही देना है, पेट भर के पियो, चाहिए तो और मिल जाएगी, लेकिन अगर वोट दूसरी जगह गया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। महज 10 मिनट में शराब की 2 पेटी लोगों में बांट दी गई। स्टिंग का शक हुआ तो मारपीट का प्रयास। शराब बांटने के दौरान कार्यकर्ताओं की नजर हम पर गई। एक कार्यकर्ता हमारे पास आया और पूछने लगा कि इधर क्या कर रहे हो। हमने उसे बताया कि हम भी किसी का इंतजार कर रहे हैं जो इधर सप्लाई लेकर आने वाला है। इस पर उसे हम पर संदेह हुआ। उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि इनकी तलाशी लो, कुछ गड़बड़ है। हमने मना करते हुए विरोध किया तो कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए। लाठी दिखाकर हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की। इनकार किया तो एक बोला इनकी टांगे तोड़ दो। ऐसे में हमने अपना परिचय दिया और पुलिस में शिकायत करने की चेतावनी दी। इसके बाद हम वहां से निकल पाए। युवक बोले हम पार्टी नहीं पूछते, दोनों पार्टियां बांट रही हैं शराब। इससे पहले टीम ने शराब की बोतलें लेने वालों से भी बात की। एक ने बताया यहां हम तो पिछले एक हफ्ते से मजे कर रहे हैं, शराब कौन सा प्रत्याशी बांट रहा है। तो बोला हम नाम वाम किसी से नहीं पूछते, बस दारू मिल जा रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों को हम कहते हैं हाँ वोट आप ही को देंगे। एक ने बताया ऐसे हर किसी को थोड़े ही शराब मिलती है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि कौन कौन शराब पीते हैं, केवल उन्हीं लोगों को देते हैं, वो भी नाम पूछकर। पहले तो एक दिन छोड़कर बांट रहे थे, अब पिछले 4 दिन से डेली का है। इस क्षेत्र में कच्ची बस्तियों के 10,000 से ज्यादा वोटर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के बासनी की श्रमिक कॉलोनी, डर्बी कॉलोनी और कच्ची बस्ती में करीब 10,000 से ज्यादा वोटर हैं। अधिकतर लोग बिहार और यूपी से आकर बसे हैं, लेकिन वोटर आईडी यहां की है। ऐसे में चुनाव आते ही सभी पार्टियां बस्ती में लोगों को लुभाने के लिए शराब बांटती हैं। स्टिंग 2, स्थान बसेड़ी धौलपुर, समय 21 नवंबर की रात 10 बजे। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में चुपके से शराब बांटी जा रही है। हमें सूचना मिली कि भूतपुरा के पास स्थित रेलवे ट्रैक के आसपास ये खेल चल रहा है। लोग चुनाव में मिलने वाली शराब के इंतजार में खड़े थे। इसी दौरान एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव का पोस्टर लगा था। इस दौरान लोग राजू भाई करने लगे। पता चला कि ये कोई राजू जोनवाल है जो किसी संजय जी नाम के नेता का कार्यकर्ता है। उसने गाड़ी से देसी शराब की पेटी निकाल कर बाइक पर रख ली। बोला संजय जी की दारू तो पी लो। दारू के लिए झगड़ने लगे लोग। राजू जब शराब की बोतलें बांटने लगा तो कुछ लोग ज्यादा बोतल मांगने लगे। वो अपने साथियों के नाम से शराब की और बोतलें मांग रहे थे। एक शख्स ने कहा मैंने 18 क्वार्टर बोले थे। थोड़ी ही देर में बहस हंगामे में बदल गई। तभी वहां खड़े एंटी पार्टी के कुछ लोग भी मोबाइल निकाल ये सब रिकॉर्ड करने लगे। ये देख शराब बांटने वाला शख्स राजू जोनवाल वहां से भाग गया। स्टिंग 3, स्थान हिनोंदा गांव, धौलपुर, समय 24 नवंबर शाम 4 बजे।
सूचना मिली कि धौलपुर विधानसभा सीट के हिनोंदा गांव से वोटरों को पैसे बांटे जा रहे हैं। ऐसे में हमने अपने सूत्रों से इस पर नजर रखने के लिए कहा। शुक्रवार शाम 4 बजे गांव में चांदपुर पंचायत का सरपंच रघुवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचा। सरपंच ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पहले वोट मांगे, फिर जेब से 500 रुपए की गड्डी निकाली। सरपंच वोट खरीदने के लिए गांव के लोगों से हर एक वोट के लिए 500 रुपए ऑफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीट बनवा लेना, हर एक वोट के 500 रुपए दूंगा। इस पर ग्रामीण भड़क गए और गांव में पिछले 10 सालों में विकास कार्यों का हिसाब मांगने लगे। लोगों ने विरोध करते हुए पैसे लेने से मना कर दिया। लोगों के विरोध करने पर सरपंच रघुवीर सिंह अपने समर्थकों के साथ वहाँ से निकल गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।